जख्म पुलवामा में मिला, लेकिन दर्द पूरे हिंदुस्तान को हो रहा है। सीआरपीएफ जवानों की शहादत से हर हिंदुस्तानी सदमे, गुस्से और आक्रोश में है। लेकिन जरा उनकी सोचिए जिसके परिवार में किसी का बेटा शहीद हो गया, किसी का पति हमेशा के लिए चला गया, तो किसी के भाई की शहादत हो गई। एक भी जवान के शहीद होने से नुकसान पूरे मुल्क का होता है, लेकिन उससे जुड़े परिवारों की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। जैसे जैसे सीआरपीएफ जवानों के शहादत की जानकारी परिवारों को मिलती गई, मातम का पहाड़ खड़ा होता गया। यूपी के इटावा में राम वकील भी उसी बस में सवार थे जिसका वजूद तक नहीं बचा। परिवार गम में बिलख रहा है, पत्नी बदहवास है और छोटे छोटे बच्चे बार बार पापा पुकार रहे हैं। संडे को आए थे, फिर छह दिन काजी आए थे, फिर चले गए, तो उनकी बर्फ गिर रही, रास्ता बंद है, तो हमने की छुट्टी आ जाओ। फिर संडे को गए यहाँ से, कहीं सोमवार की वापसी है, हमने की जाओ अप्रैल में छुट्टी आई है, मकान बनवा ले। बहुत दिन हो गए, रात रात हमने कही अभी नच्चो नहीं लग रहा मायके में रह बहुत से। यूपी के ही उन्नाव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार आनंद भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के बटालियन 115 में तैनात अजीत की शहादत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद की पत्नी और बच्चे इस गम को सहन नहीं कर पा रहे हैं। दो बेटियां ईशा और श्रेया का सहारा छिन गया। राजस्थान के धौलपुर ने भी पुलवामा आतंकी हमले में अपने एक लाल को हमेशा के लिए गवा दिया है। सीआरपीएफ के जवान भागीरथ सिंह के परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि अब वो जाबाज कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। उसके बारे में क्या बताएं, हमको इतना गर्व है कि आज सरकार पर नहीं हो रहा है, वो उसको हम करने के लिए तैयार है, हम जा सकते हैं सीमा पे लड़ने के लिए, पर इसको सरकार तो करे कुछ, पाकिस्तान को छोड़ दो, हम साले को पाकिस्तान को उड़ा देंगे। आज हमको इतना दुख है हमारे बच्चे के साथ हुआ है। हम इनके परिवार की हिम्मत की दाद देते हैं और हौसले को सलाम करते हैं जो पाकिस्तान से अब बदला लेना चाहता है। यूपी के शामली में भी पुलवामा हमले का जख्म पहुंचा है। सीआरपीएफ के 21 बटालियन में तैनात शामली के प्रदीप कुमार प्रजापति भी जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन आतंकियों की कायराना करतूत ने उन्हें भी देश और परिवार से बहुत दूर कर दिया। खबर सुनते ही इलाके के लोग हिम्मत बढ़ाने पहुंचे। एक जवान है, वो तो अपनी ड्यूटी करता है, जैना देश के ऊपर शहीद हो रहा है, मैं भी एक जवान हूँ, मैं भी उसी का जैना भाई हूँ, मेरा छोटा भाई था, मैं भी जैना 94 का जैना आईटीबी में भर्ती हूँ और अभी भी जैना सर्विस लुधियाना में कर रहा हूँ। तो एक दुखद घटना तो है ही, लेकिन जैना देश के ऊपर शहीद होया, इसके लिए जैना कोई आहत परिवारों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। कल तक जिससे बात हो रही थी, आज उनकी रुखसती की खबर आ गई। गम की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान से बदला पूरा नहीं होता, इन्हें न्याय नहीं मिल सकता।